हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में आरएनपी टेक में। दोस्तों, अगर आपके पास है कोई एक मैक, ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं क्योंकि लेटेस्ट जितने भी मैक आ रहे हैं उसमें सिर्फ सी टाइप दो ही पोर्ट है, तो आपको एक यूएसबी हब की जरूरत पड़ सकती है। तो मेरे पास है एक ये पी बॉक्स इंडिया का एक यूएसबी टाइप सी हब, ठीक है, ये एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए जल्दी से इसका क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं और आप अनबॉक्सिंग वीडियो देखिए, उसके बाद फिर वापस आते हैं। दोस्तों, हमें इस डब्बे के अंदर जो भी आइटमें मिलती है वो मैं आपको शोकेस कर देता हूँ। सबसे पहला एक है ये छोटा सा स्ट्रिप्स जिसपे पीवॉक्स इंडिया के बाकी सारे आइटमों की डिटेल लिखी हुई है जो भी हमें इसके अंदर मिलता है। उसके बाद हमारे पास जो मेन आइटम है ये 8-in-1 यूएसबी टाइप सी हब है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर दो यूएसबी टाइप सी, एक HDMI, दो यूएसबी टाइप ए 3.0 और उसके बाद दो माइक्रो USD, एक माइक्रो SD और एक नॉर्मल फुल SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है। देन उसके बाद इसके अंदर हमें एक मोबाइल का स्टैंड मिलता है जो एज ए गिफ्ट है, और इन उसके बाद एक ही छोटा सा कनेक्टर है, आप पता नहीं इसके बारे में क्या समझेंगे, लेकिन कंपनी कहती है इसे लगाने के बाद आपको जैसे पता होगा जब भी कोई करंट एक वायर के अंदर फ्लो होती है तो उसके चारों साइड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देती है जिससे बहुत सारी ग्लीचिंग हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए छोटा सा इन्होंने पहल करी है, एक ये छोटा सा डिवाइडर है, इसको जस्ट वायर के साथ आपको क्लिक करना है जिससे ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे। बस बाकी पता नहीं प्रैक्टिकली कितना यूज में आएगा, बाकी वो देखेंगे। और इन सभी आइटमों को कैरी करने के लिए छोटा सा कैरी पाउच जिसकी बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है, अच्छा है, मतलब आप एक साथ लेकर के जा सकते हैं, इसकी वायरिंग वगैरह खींचने का कोई ऐसा डर नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर पीवॉक्स इंडिया की कंपनी की बात करोगे तो इसकी जो हिस्ट्री है ये इंडिया बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है, तो हमें इस चीज़ का भी वो नहीं है, हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वी शुड अवॉइड चाइनीज कंपनी के, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो आपके डेली यूज़ को बहुत ही ईजी कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको एक्सटर्नल SD इन सब की बात हम नहीं करते हैं, अगर ये तो रही कंपनी की प्रोफाइल। और बाकी हम एक्चुअल में इस USB हब को लगा के चेक करते हैं इसके सारे पोर्ट प्रॉपर वर्किंग है या नहीं। दोस्तों, अभी इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने मैकबुक के साथ, और जैसे कनेक्ट करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे एक LED इंडिकेटर विजिबल हो रहा है जिससे ये पता लगता है कि ये जो USB टाइप सी हब है ये कनेक्ट हो चुका है। और इसके पोर्ट को चेक करने के लिए मैंने एक कनेक्टर लगाया जो कि मेरे माउस का कनेक्टर है, और इसके बाद मैं देख लेता हूँ कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कर्सर जो है प्रॉपर मूव हो रहा है, इट मीन्स कि ये जो USB टाइप सी हब है ये बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। और बाकी इसके अलग अलग पोर्ट जो है अगर मैं चेक करूँ, मैं अभी USB टाइप 3A को ही चेक कर पा रहा हूँ, तो ये दो पोर्ट तो प्रॉपर वर्किंग में है। और ये HDMI पोर्ट जो है ये एक्सटर्नल कनेक्टर यूज करके जब मैं अपने एक्सटर्नल मॉनिटर को जब मैं कनेक्ट करूँगा तब ये चेक हो पाएगा। बाकी ये जो दो पोर्ट है, एक चार्जिंग के लिए है और दूसरा जो है वो डाटा ट्रांसफ़र के लिए है, इसे भी मैं बाद में चेक कर लूँगा, लेकिन इट सीम्स कि हाँ प्रॉपर वर्किंग में ही होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, इससे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी और बेटर प्रोडक्ट आप चूज़ कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।